हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है सुबह का टाइम और सुबह सुबह एंजला तैयार होके स्कूल जा रही है। 7:30 बजे हैं और उसके स्कूल का सेकेंड डे है। उसको सुबह सुबह तैयार करके, टिफिन देके, उसका सारी बुक्स वगैरह रेडी करके, उसको खाना खिलाना और नहा के एकदम से तैयार करके स्कूल भेजा है मैंने। और फिर उसको स्कूल से लाने के बाद हमारा दिन का लंच और रेस्ट टाइम होने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं मंदिर के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा जगन्नाथ टेम्पल है जो बहुत फेमस है और आज एक पूजा है तो हम जा रहे हैं मंदिर। हम निकल पड़े हैं मंदिर, मंदिर जाएंगे और फिर थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, शॉपिंग करके आएंगे। तो आज थर्सडे है और थर्सडे में वेज खाना बनता है, तो बस वेजिटेरियन खाना बना था। और हम मंदिर पहुंचने वाले हैं अभी। मंदिर के पास एक बहुत बड़ा एलिफेंट का स्टैचू बना है जो कि मेटलिक है और कितना सुंदर लग रहा है। और अभी 4:30 से 5 बजे का टाइम है शाम का और सनसेट का टाइम है, तो एकदम सन मंदिर के ऊपर ही दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए, जगन्नाथ टेम्पल बहुत बड़ा मंदिर है और मंदिर के ठीक ऊपर ही सन दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है अभी। हम जब जाके पहुँचे तब मंदिर में कोई नहीं था, एकदम खाली था। और पूरा लोनली टाइम में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है मंदिर का। और एंजला पहले जा रही है सीढ़ी के ऊपर, जाके जंपिंग जंपिंग कर रही है मंदिर की सीढ़ियों में। कितना सुंदर लग रहा है, जय जगन्नाथ। कोई पूजा का दिन हो या कोई पवित्र उत्सव का दिन हो तो मंदिर जाके थोड़ी देर के लिए पीसफुली भगवान की दर्शन हो जाए तो मन को शांति मिलती है। और हम लोग मंदिर दर्शन के बाद थोड़े से सेल्फी सेशन कर रहे हैं मंदिर में। इतना बड़ा मंदिर है तो सेल्फी तो लेना बनता है। और ये है एलिफेंट और बेबी एलिफेंट। ये है मंदिर का एंट्रेंस, एंट्रेंस प्लेस है। और मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ ही नहीं रहता है नॉर्मली, तो हम दर्शन करने के बाद अभी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। और चारों तरफ भी बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ टेंपल्स भी है और फ्लावर गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। ये मंदिर में कोई भी आए तो एकदम शांति मिलती है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। Thank you.
हम आ चुके हैं शॉपिंग के लिए। एंजला के बुक्स के लिए कवर चाहिए थे, नई नई स्कूल है उसका, और बहुत सारे बुक्स के लिए कवर्स लेना था। फिर बहुत सारे चीज़ शॉपिंग करनी थी और एंजला का मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर शॉपिंग ही बनता है। और क्रेयन्स भी उसको चाहिए थे, क्रेयन्स का सेट मैंने ले लिया, उसमें बहुत सारे क्रेयन्स है। और हम कुछ और छोटे मोटे चीज़ें चाहिए जो घर के लिए लेके फिर वापस जाएंगे। मंदिर में जाके सिंदूर जो लगाते हैं ना, तो वो मेरे गाल में ही लग गया था, एंजला के मुंह से शायद लग गया होगा मेरे गाल में। और शॉपिंग के बाद एंजला को खाना था पिज़्ज़ा, और हम आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए एक केक शॉप में, उसका नाम है सेवेंथ हेवन। और एंजला ने ऑर्डर दिया एक पिज़्ज़ा, वेजिटेबल नो मशरूम चीज़ पिज़्ज़ा और डोनट्स, उसको डोनट्स भी क्रीमी डोनट्स खाने थे, और कुछ भी नहीं लिया उसने, और उसको चॉकलेट्स भी चाहिए थे। ये है हमारे डोनट, क्यूट सा डोनट, एंजला के लिए एक ही आया है क्योंकि वो एक भी नहीं खाएगी, थोड़ा सा खाएगी और उसको मुझे ही खाना पड़ेगा, और डोनट्स किसी को भी पसंद नहीं। और पिज़्ज़ा भी आया है, और एंजला अभी पिज़्ज़ा स्टार्ट कर रही है खाना। पिज़्ज़ा के अंदर उसको टोमेटो नहीं चाहिए, उसको प्याज भी नहीं चाहिए, उसको वेजिटेबल्स भी नहीं चाहिए, सारा निकल लेगी और थोड़ा सा पिज़्ज़ा ही खाएगी। एक पीस भी पिज़्ज़ा वो कंप्लीट नहीं कर पाती है, फिर भी उसके लिए एक पिज़्ज़ा आता है। वो क्या कर रही हो तुम? क्या बनाई तुम? देखिए इतना बड़ा बड़ा ट्री, बहुत सुंदर बना है ट्री। और भी एक बनाओ। ठीक है, बनाती हूँ। सुपर। ऐसे 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 और ऐसे। ओके सुपर। हो गया। इसका बॉडी में है एक बड़ा सामान, और फिर ऐसे, हाँ? ऐसे एक और ऐसे। सुपर। और एक भी। सुपर, बहुत सुंदर ट्री बना है बेबो, बहुत सुंदर ट्री बना है। वाओ, फैंटास्टिक। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।